नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि खारिया में पुराने पार्टनर ने सिर में ईंट मारकर की थी शराब ठेकेदार की हत्या और उसके बाद शव को राजस्थान कैनाल में फेंक दिया था। दो दिन से लापता था शराब ठेकेदार का शव, जो कि मसीता हेड से मिला है और पूछताछ में पुलिस ने खुलासा किया है। दो दिन से लापता चल रहे खारिया सर्कल के शराब ठेकेदार के मामले की जांच कर रही सिरसा सीआईए ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल शराब ठेकेदार राजेंद्र निवासी गांव नीमला लापता नहीं था, बल्कि उसकी हत्या कर उसके शव को राजकैनाल कैनाल के अंदर फेंक दिया गया था। पुलिस ने शराब ठेकेदार राजेंद्र का शव राजस्थान के मसीता हेड पर बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को अपनी कस्टडी में भी लिया है। लेकिन बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और ये आरोप है कि पुलिस मुख्य जो साजिश करता है उस तक नहीं पहुंच पाई है, सिर्फ करिंदे को ही निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है, पूरी आपको कहानी बताएंगे। आखिर शराब ठेकेदार की हत्या क्यों की गई थी, क्या सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि इसमें नया मोड़ है, क्योंकि इस पूरे मामले में शराब ठेकेदार की जो हत्या है वो सिर्फ इस बात को लेकर की गई थी कि राजेंद्र निवासी गांव नीमला ने इस बार खारिया सर्कल के शराब के ठेके लिए थे और जो इसमें धर्मेंद्र करीर था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसका वर्चस्व खत्म हो और यहाँ पर जो कि राजेंद्र की धाक हो उसी के पास सारे शराब के ठेके हों। लेकिन अब परिजनों ने शव लेने से इनकार किया है और कहा है पुलिस से कि इस पूरे केस में जो कि षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है, इसमें 10 के करीब लोग हैं, ये पूरी प्लानिंग तरीके से किया गया मर्डर है, ना कि किसी एक व्यक्ति की साजिश है। लेकिन पुलिस ने बड़ी अपडेट आ रही सूत्र ये कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी था जिसने मर्डर किया था उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया है, लेकिन ये अभी तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। लेकिन पुलिस अपनी जाँच में तमाम तरीके से हर एंगल से जाँच कर रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह निकल कर आई है कि कभी शराब का कारोबार कर चुका गांव खारिया निवासी धर्मेंद्र करीर उसके साथ उसको अपने साथ रखता था, लेकिन उसके साथ रंजिश भी रखी थी उसने। ये शराब के ठेके पहले धर्मेंद्र करीर के पास थे, इस बार यहां पर जो कि निवासी नीमला के राजेंद्र ने ठेके लिए थे, उसी ठेके मिलने के बाद करीर ने यह मान लिया था कि राजेंद्र उनके कार्य में अब टांग अड़ाएगा और उसकी कहीं ना कहीं साख का सवाल था। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले ही राजेंद्र को धर्मेंद्र करीर के ताऊ का लड़का मोटरसाइकिल पर बैठाकर धर्मेंद्र करीर के ठिकाने पर लेकर गया था और उसके बाद उनका फोन बंद था। पूरी जो घटना को लगातार पुलिस फोन को ट्रेस कर रही थी और जब फोन स्विच ऑफ आए तो उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद लगातार लापता होने का पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद हर एंगल से पुलिस उसमें जाँच कर रही थी और इससे पहले ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया था। उससे ही पूछताछ के आधार पर हत्या का खुलासा हुआ है। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम आज होना था, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार किया है। अगले जो कि कार्रवाई है वो परिजन इस बात पर अड़े हैं पुलिस के सामने कि मुख्य आरोपियों को भी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले और ये आरोप है कि कहीं वो लोग दूर ना भाग जाएं। और इस मामले में जो कि सीआईए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने जानकारी दी है कि ठेकेदार राजेंद्र का शव मसीता हेड से मिल चुका है, शव कब्जे में पुलिस के, अब अगली कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी धर्मेंद्र ने गांव सहारने के पास राजेंद्र का शव फेंका था, इसके बाद शव दो दिन बाद 20 किलोमीटर दूर बहकर राजस्थान कैनाल के मसीता हेड पर पहुंचा। सीए पुलिस वहां पर पहुंची और जो कि राजेंद्र के मोबाइल पर आई फोन कॉल को ट्रेस किया गया और छानबीन शुरू की गई। पुलिस को धर्मेंद्र करीर पर संदेह हुआ था, इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया, पूछताछ की। पूछताछ में हत्या करने के बाद शव को खुदबद्ध किया गया। सूत्रों की माने तो हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने पहले से ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन इस पूरे मामले में आखिरकार सबसे बड़ी वजह यही है कि जो कि राजेंद्र के ठेके लेने के बाद जो कि धर्मेंद्र करीर को इस बात का शक और संदेह था कि अब आगे भी अगर ये ठेके उसी ने लिए तो इस पूरे इलाके में जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं राजेंद्र का कायम होगा और इसी
रंजिश को लेकर उसने उसकी राह में रोड़ा नाट के उसने उसको मौत के घाट उतारने की पूरी प्लानिंग तैयार की। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इस प्लानिंग में, इस पूरे के पूरे प्लान में कोई एक दो चार लोग नहीं बल्कि करीब 10 लोग हैं। उन लोगों को भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही कि इस मामले में नया मोड़ ये है कि आखिर किस वजह से हत्या की गई थी। वो सबसे बड़ी वजह यही है कि वो रंजिश थी, क्योंकि इस बार पहली बार नेमना निवासी ने ठेके लिए थे और इन ठेकों को नहीं चाहता था धर्मेंद्र करीर कि उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म हो। लेकिन अब परिजन है वो शव लेने से इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस असल आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। लगातार परिजनों को आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जाएगी और इस पूरे प्रकरण के ऊपर पुलिस कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।